अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ रोही के साथ मैं हूं नायला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। खबर शामिल करते हैं मोहम्मदपुर दीवान से। सिटी रिपोर्टर मलिक शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ राजनपुर मोहम्मद नासिर सियाल का पुलिस पकेट बहार माछी का विजिट। दौरान विजिट पुलिस जवानों के हमरा एक ही दस्तरखान पर अफतारी की। डीपीओ मोहम्मद नासिर सियाल ने पुलिस पकेट बहार माछी पर पुलिस जवानों के साथ एक ही दस्तरखान पर रोजा इफ्तार करके जवानों के हौसले बुलंद की। इफ्तारी के वक्त मुल्क को कौम और अमन अमान के लिए खसूसी दुआएं की गईं। डीपीओ का कहना था कि राजनपुर पुलिस के जवान खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जो बाइस फ़ख्र है। अवाम उन्नास की खिदमत करना हम सब पर लाजिम है। अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से अदा करें। अवाम उन्नास की इज्जत और नफ्स का ख्याल रखें। बद अखलाकी और करप्शन से इज्तनाब करें और अवाम उन्नास की खिदमत के साथ साथ रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में अल्लाह पाक की अहकामात की पैरवी करें। इफ्तारी के बाद डीपीओ मोहम्मद नासिर सियाल ने पुलिस जवानों को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान के अहकामात के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। मलिक शाहिद, वॉइस ऑफ रोही न्यूज़, मोहम्मदपुर दीवान। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ रोही न्यूज़।